भाई, ये तो तूफान बढ़ गया पाकिस्तान में तो। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कोरोना वायरस की वजह से जो है लॉकडाउन हुआ हुआ है 4-5 दिन से, जिसकी वजह से हम लोग घर पे ही थे। आज किसी वजह से मजबूरी से घर से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जानने वाले और जाजेब के कुछ जानने वाले जिनको राशन की जरूरत है, उन्होंने हमें कॉल की थी कि यार हमारे पास राशन नहीं है। और कुछ ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो कि मांगते नहीं हैं, जो कि घरों में बैठे हुए हैं, जिनको ज़रूरत है राशन की, तो उनके लिए हम लोग जाएंगे, राशन लेंगे और उनको बांटेंगे। और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम दिखावा कर रहे हैं या ऐसा कुछ, बल्कि हमारा मकसद बस ये है कि लोग भी देखें, लोग इससे मोटिवेट हों और वो भी आगे दूसरे लोगों की हेल्प करें। दो किलो दाल मसूर और 2 किलो दाल चने। एक अभी चाहिए हमको? हाँ अभी चाहिए, कोई मसला नहीं है। पैसे दे दे यार इनके वापसी, यार गरीब है। हम तो यहाँ किसी मजबूरी में निकले थे, लेकिन यहाँ पर तो भाई हर कोई बाहर निकला हुआ है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। जिन्होंने राशन घर में पहले से लिया हुआ था वो भी बाहर निकले हुए, तो हुकूमत ने लॉकडाउन लगाया तो किसी वजह से लगाया, तो घर में रहें भाई और परहेज करें। सब्जी वगैरह ले लेते हैं। देखिए सीधी सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला को हम लोग भूल गए हैं, ये सब हमारे लिए अजाब का जरिया बना हुआ है और कुछ नहीं। तो कि जब इंसान रब की बारगाह में हाथ फैलाना छोड़ देता है तो ये मामला, तो आप भी लगाएं मास्क, आपने क्यों नहीं लगाया? हुआ अंदर रखा हुआ, लगाएं ना सर, ऐसा नहीं करेगा, लगाएं। देखिए गलत बात है ये। बिल्कुल भाईजान घर जाके बैठो, क्या तुम बाहर खड़े हो, सुकून नहीं है क्या? अंकल कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? रोड पे बैठे हो, क्या हो गया? सर मजदूरी नहीं है। मजदूरी नहीं है तो कोई पैसे वैसे जमा करके नहीं रखे हुए आपने? सर ताज़ी मजदूरी वाले हैं, झाड़ी पे काम करते हैं, जमा कराया सनासी कार्ड की कॉपी वगैरह। अच्छा, तो कहीं से नहीं मिला भाई? अपना नंबर वगैरह दो, कोई अगर आपको जो है राशन किसी ने देना हो तो अपना नंबर वगैरह दे दो। 03-42-23-76-874। तो भाई ये वो लोग हैं जो रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले, मेन मसला जो है इन लोगों के लिए बन रहा है। क्या परेशानी है रोड पे बैठे हुए यार? यार मजदूरी करते हैं, रेती बुरा के काम करते हैं, मजदूरी बंद है। मजदूरी करते हो आप? जी जी। तो क्या घर में राशन नहीं है क्या? गरीब आदमी मजदूरी करते थे, खा रहे थे। उनका भी यही कहना है कि यार मजदूरी करते थे, रोज़ खाते थे, तो अभी घर में राशन ही है। जी जी। हाँ बाबा का यही कहना है कि यार मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं मिल रही, आजकल ट्रेनें वगैरह सब कुछ बंद हो गई हैं। गांव में ये है कि कुछ ना कुछ एक दूसरे से मिल जाता है, यहाँ पे इनको कोई जानता नहीं है, तो इस वजह से जो है इनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है। 03-45-39-97-282। ठीक है चाचा, इंशाल्लाह जिसने भी देना होगा आपको राशन वगैरह रब्ता करेगा आपसे, मेहरबानी। कुछ और लोग हमारी तरह निकले हुए राशन बांटने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे आप लोग भी निकले और गरीबों में राशन बांटे। घर के पास एक बस्ती है, यहाँ पे काफी गरीब लोग रहते हैं, तो हमने यहाँ के लोगों से पूछा है कि जिसको राशन की जरूरत है तो हम उनको जो है वो पहुँचा रहे हैं। आपके ख्याल में क्या लगता है ये कोरोना किस वजह से आया दुनिया? यार मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक की तरफ से अजाब हम लोगों पे नाजिल हुआ है, जो कि हमारे अमालों का नतीजा है, और ये कश्मीर में जो इतने जुल्म ज्यादती हो रहे हैं ये उसकी वजह से अल्लाह पाक ने हम पे अजाब नाजिल किया है।
کچھ ایسے بھی منافع خور لوگ ہیں جو کہ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جیسے ماسک ہو گیا، سینیٹائزر ہو گیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 روپے کا ملتا تھا، آج یہ 50-50 روپے کا مل رہا ہے۔ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے ڈریں کہ اس وقت میں بھی وہ اپنا منافع دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں بجائے اس کو کم میں بیچنے کے وہ زیادہ بیچ رہے ہیں۔ آپ دوسری کنٹریز کا حال دیکھ ہی رہے ہوں گے، چائنا ہے، امریکہ ہے، اتنی ہائی ان کے پاس فیسلٹیز ہیں، ہر اپنی ٹیکنالوجی لگا رہے ہیں، باوجود بھی وہ لوگ پریشان ہیں کہ یار کس طرح اس چیز کا سامنا کریں۔ یہ خدا نہ خواستہ اس لیول پر اگر یہاں پر کرونا پہنچ گیا تو پھر کیا ہوگا، بہت تباہی ہو جائے گی بھائی۔ اس لیے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ گھر پر رہیں، ریسٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور ہماری بس یہی آپ سے التجا ہے، بالکل اس چیز کو سیریس لیجیے گا۔ اس مشکل گھڑی میں ہماری جو فورسز روڈوں پہ کھڑی ہوئی ہیں اور جو ڈاکٹرز اپنے گھر وغیرہ چھوڑ کر ہاسپٹل میں ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں، تو ان کو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ اپنی انہوں نے جان سب داؤ پہ لگا دی ہے اور صرف ہمارے لیے، ہماری خاطر۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔